मेष राशि वाले, वास्तविकता में आज की जो वीडियो है ये खुशखबरी पर आधारित है और आप सभी को पता ही है कि जब भी कोई शुभ ग्रह गोचर करता है ऐसे किसी ग्रह की जानकारी हम सबसे पहले आपके लिए लेकर के आते हैं। तो मित्रों चलिए आज बात करेंगे इसी परिवर्तन के बारे में कि अप्रैल के महीने में एक ऐसी खुशखबरी आपके लिए मिलने वाली है कि ये कोई छोटी मोटी खुशखबरी नहीं है मित्रों, और इस प्रकार के ग्रह गोचर भी कभी कभी होते हैं वर्षों में। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और जानते हैं मेष राशि पर पड़ने वाले शुभ समाचारों की जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित और आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। सबसे पहले अगर आप हमारी विस्तृत सेवाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.shrividyaastro.com पर जरूर विजिट करिएगा। यहाँ विद्यास्ट्रो में दोनों का एक कंबाइंड, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। मित्रों चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं आज के इस भविष्यफल के बारे में, कुछ शुभ घटनाओं के बारे में। मित्रों सबसे पहले होने क्या जा रहा है, होने जा रहा है श्री सूर्य नारायण महाराज का परिवर्तन। तो बोले श्री सूर्य नारायण महाराज की जय। जयकारा इसीलिए लगाना आवश्यक हुआ मित्रों क्योंकि सूर्य नारायण ने बात ही कुछ इस प्रकार की करी है। सूर्य नारायण ठीक 13 अप्रैल को वर्तमान मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में आएंगे। चलिए हमको नहीं जानना ये राशियों में जाकर के क्या करते हैं, परंतु क्या आपकी मेष राशि है, और मेष राशि है तो आपको बताना चाहता हूँ कि भैया आपकी ही राशि पर सूर्य नारायण महाराज तो आ रहे हैं। अगर आपकी राशि पर सूर्य नारायण महाराज आ रहे हैं तो ये आपके लिए किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम गोचर नहीं है बिल्कुल भी। जी हाँ बिल्कुल आप सही समझे। उसका क्या कारण है, कारण मात्र इतना है सूर्य नारायण महाराज इस गोचर की महत्वपूर्णता को समझने के लिए एक छोटी सी चीज को आप समझिएगा। सूर्य नारायण महाराज ज्योतिष शास्त्र के अंदर राजा हैं और कौन सी राशि में जा रहे हैं, मंगल की मेष राशि में। मंगल की राशि में यानी मंगल ज्योतिष शास्त्र में सेनापति माना जाता है। जब सेनापति और राजा का संयोग होता है मित्रों, किसी राज्य में आपने देखा है जब राजा और सेनापति यानी सेना में अच्छी बॉन्डशिप हो, दोनों में अच्छा ताल्लुकात हो, तो वहां की प्रजा को कभी भी नुकसान, चोरी या फिर किसी भी प्रकार की लूटपाट या किसी भी प्रकार की असंवैधानिक गतिविधियों से डर नहीं रहता। तो यही जीवन में आपके भी परिवर्तन होने वाला है और यहाँ पर और भी 2-3 चीजें अच्छी हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले मित्रों ये चीज समझिएगा कि आपके जीवन के अंदर अनुशासन बढ़ने वाला है। आप अपने जीवन के अंदर नई नई अपॉर्चुनिटीज को देखने वाले हैं। अगर बात करें कि ये गोचर किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है तो मैं आपको बताता हूँ, जो लोग अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा परेशानी का अनुभव कर रहे हैं अपने वैवाहिक जीवन में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। जी हाँ मित्रों, तीनों ही सेक्टर पर मैं बात करने वाला हूँ। पर्सनल लाइफ के अंदर लव रिलेशन को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के, जिनके जीवन के अंदर तनाव की स्थिति हाइपर लेवल तक पहुंच गई, जी हाँ उन लोगों के लिए अब आपकी मानसिक स्थिरता आने वाली है, उन लोगों की चिंता दूर हुई। और किस लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए। प्रोफेशनल लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए मित्रों क्योंकि अभी कुछ समय में आपसे कुछ पूछना भी चाहूंगा, अभी जस्ट कुछ समय पहले ही सूर्य नारायण राहु के साथ में योग बना करके बैठे हुए थे जिसको कहते हैं ग्रहण योग। और इस योग का एक फल होता है मित्रों कि व्यक्ति के कार्य क्षेत्र पर एक प्रकार का दबाव बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, मानसिक अस्थिरता है। मन तो करता है कि जॉब छोड़ दें परंतु क्या करें, घर परिवार की स्थिति कारण यानी के अपनी स्थितियों के कारण से आपको चाहे दबाव में जॉब करनी पड़ती है। क्या आपको ये चीजें फेस हो रही हैं, अगर वास्तविकता में तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। मुझे आप अपना मित्र भाई बंधु कुछ भी मान करके कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि इससे हम आपके आने वाले समय के लिए कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको ला करके दे सकते हैं। दूसरी चीज देखते हैं, पर्सनल लाइफ हो गई आपकी, प्रोफेशनल लाइफ हो गई, और बात करें कि सूर्य के इस गोचर से अच्छा क्या होने जा रहा है, तो मित्रों ये पूछे क्या अच्छा नहीं है क्योंकि मेष राशि में सूर्य नारायण महाराज उच्च का फल प्रदान करते हैं। अभी आप पूछेंगे उच्च का क्या होता है, उच्च का मतलब यही होता है मित्रों कि किसी ग्रह के अगर आपको 50% देने की संभावना है तो वह ग्रह आपको 100% फल प्रदान करता है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से, अगर सूर्य महाराज अच्छे हो जाए या जिन व्यक्तियों की कुंडली के अंदर सूर्य अच्छा फल देना प्रारंभ कर दे तो क्या क्या अच्छा हो सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहता है मित्रों कि जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य अच्छा हो जाए
या वर्तमान ग्रह गोचर में सूर्य अच्छी अवस्था में आ जाए, जैसा कि अब होने जा रहा है, सूर्य है उच्च राशि मेष में प्रवेश कर रहे हैं, तो सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा आपकी शारीरिक गतिविधि पर, यानी कि आपके स्वास्थ्य पर। मेष राशि में उच्चकृत सूर्य आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान आकर्षित करवाएंगे, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक अवस्था में रहेंगे, यानी आप कोई हेल्दी डाइट अपना सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, अपनी बॉडी फैट को ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए आप किसी ना किसी स्वास्थ्य संबंधी गतिविधि में जा सकते हैं। दूसरा, आपको यदि कोई क्रॉनिक बीमारी है, कोई क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, कोई भी किसी प्रकार की लंबी समय से कोई बीमारी चल रही है, तो उस बीमारी को श्री सूर्य नारायण महाराज समाप्त कर देते हैं। परंतु ध्यान भी दीजिएगा, जब सूर्य प्रथम भाव के अंदर होते हैं तो स्वास्थ्य में ये कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी करते हैं, क्योंकि सूर्य नारायण महाराज अग्नि तात्विक ग्रह होते हैं और ये बॉडी के अंदर पित्त विकार को बढ़ा देते हैं, यानी कि आपके शरीर में अग्नि तात्विकता को, जैसे कि गुस्से का ज्यादा आना, क्रोध का अनुभव ज्यादा करना, आप इस चीजों को जरूर फॉलो करोगे कि आप देखोगे आप जीवन में काम करना चाह रहे हो, मेहनत की तरफ आपका दिमाग जा रहा है, उसमें आप बहुत ज्यादा अपने आप को एनरोल करना चाहते हो, परंतु जब भी कोई चीज आपको आपकी मेहनत करने से रोकेगी, अवरोध पैदा करेगी, तो ये जो आपका काम के प्रति एग्रेशन है, काम को करने के प्रति आपका जो लगाव है, ये एग्रेशन उस व्यक्ति पर या उस अवस्था पर निकल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपकी कोई बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, आपको किसी बहुत विशेष कार्य को करना है, आपको कोई विशेष बातचीत किसी व्यक्ति से करनी है और उसका टाइम आपने निर्धारित किया हुआ है, परंतु एंड मौके पर आपका घर, आपका परिवार या आपके ही कुछ गतिविधियां आपको उस काम में अवरोध डालने का प्रयास करती है, जिस कारण से आपका वो एग्रेशन, काम तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, काम तो आप बिल्कुल करोगे, परंतु वो एग्रेशन आप उस व्यक्ति पर निकाल दोगे, यानी क्रोध की भावना आपको इस महीने जरूर रह सकती है। तो भैया आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस क्रोध पर इसको सही प्रकार से यूटिलाइज करें, ये महीना अपॉर्चुनिटीज का महीना है, इस महीने को हमें बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। दूसरी तरफ बात आए तो ये जो जब सूर्य महाराज अच्छे होते हैं, अगर आपके नेत्रों में किसी प्रकार का विकार है तो ये दूर होने लग जाता है, और वही अगर आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लोगों ने आपने देखा कि आप लोग आपसे जो है वो दूरियां बढ़ा रहे हैं, आपसी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन का जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो रहा है, परंतु इस बार जब सूर्य उच्च राशि में आते हैं तो आपके ही अंदर की कुछ ऐसी एबिलिटी, ऐसी कुछ शक्तियां, ऐसी कुछ ताकत जो औरों से आपको अलग बनाती है, उन चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं, यानी स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके प्रभाव से लोग आपके ओर आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं, और इसका सबसे अच्छा प्रभाव पड़ता है मेष राशि वालों के, आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर प्रथम भाव पर सूर्य है, तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत समय से अगर आपने किसी कार्य के लिए कुछ सोच रखा है और आपके मन में है किस कार्य को करना, तो परंतु नहीं समझ में आ पा रहा कि कब इस कार्य को करें, बहुत शुभ मुहूर्त है मित्रों, यही है वो मुहूर्त जिसका आपको इंतजार था। देखिए ग्रहों की स्थिति पर एक बार आप नजर डालिए, मैं आपको अपने वक्तव्य से समझाना चाह रहा हूँ, सूर्य मंगल की राशि पर अपने सेनापति के साथ, मतलब सेनापति की राशि पर है, दूसरी सबसे बड़ी चीज है मित्रों यहाँ पर कि सूर्य अपनी उच्च राशि पर है मेष राशि पर, तीसरी सबसे बड़ी चीज सूर्य नारायण महाराज आपकी राशि पर किसके साथ है, देव गुरु बृहस्पति के साथ में, देव गुरु बृहस्पति यानी कि मंत्री, राजा और सेनापति, अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन साथ में हो जाए तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये महीना ग्रोथ का महीना है, ये महीना धनागमन का महीना है, ये महीना प्रॉस्पेरिटी का महीना है, ये महीना आपके जीवन में दुख दरिद्रता को मिटाने वाला महीना है, ये महीना आपके बिगड़ते हुए कार्य को संभालने का महीना है, ये महीना आपको आरोग्यता प्रदान करने का महीना है, ये महीना आपके रिलेशंस को जो बिल्कुल बेकार हो चुके थे उनको वापस आपके जीवन में खुशहाल करने का महीना है, क्योंकि इसमें आपसी ग्रहों का तालमेल मेष राशि वालों के लिए तो इतना जबरदस्त बन रहा है कि हम तो कहें क्या। प्रथम भाव पर सूर्य का प्रभाव रहेगा तो आप किसी कार्य की शुरुआत जरूर कर सकते हैं मेष राशि वालों, अनुशासन आपके जीवन के अंदर जरूर आ सकता है, साथ ही गलत गतिविधियों का आप छोड़ने वाले हो। अब देखिए कई प्रकार के आपके रिलेशन जरूर बताइएगा, सूर्य भी राहु के साथ में थे, कहीं ना कहीं आपकी आत्मा पर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी टिप्पणी कर दी, कोई बात आपको ऐसी लगी है पिछले कुछ महीने में जो आपके दिल में चुभ गई है,
और उस बात को सिद्ध करने के लिए, यानी अपनी आप एबिलिटी को सिद्ध करने के लिए आपके मन में एक जुनून, एक शक्ति, एक ताकत जरूर जागृत हो रही होगी कि नहीं मुझे दिखाना है, करके बताना है इस व्यक्ति ने मेरे लिए गलत बात बोली है। ये कहीं ना कहीं आप लोग जो आपके बारे में जो धारणा जो फेस करते हैं, चीजें सोचते हैं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये इस समय आने वाला है कि मुझे इन लोगों की सबकी जो धारणाएं हैं जो आपके प्रति इन्होंने सोची है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो यहीं तक है, यहीं तक निमट जाएगा, इस तरह की जो गतिविधियां हैं, धारणा है, इनको समाप्त करने वाले हो आप। जी हाँ, सूर्य जैसे उच्च राशि पर आएंगे तो सबसे पहले इनका असर पड़ेगा आपकी सोच पर, निर्णय लेने की क्षमता बड़ी मजबूत हो जाएगी मित्रों आपकी, डिसीजन इतना स्ट्रांग लोगे, बड़े डिसीजन बड़ी कामयाबी, छोटे डिसीजन छोटी कामयाबी। तो ये अंतर होता है मित्रों एक राजा की सोच में और एक निम्न वर्गीय व्यक्ति की में। सूर्य का प्रभाव की राशि पर सबसे ज्यादा बड़े डिसीजन लेना, हाँ थोड़ा सा व्यक्ति कभी कभी आप कुछ इस प्रकार के कार्यों को करने लग जाओगे जिसमें खतरा होने के बाद में भी आप इस प्रकार के काम कर लोगे, क्योंकि राजा का ही मूड कुछ इस प्रकार का होता है, वो खतरे वाले कार्य को, मंगल की राशि पर सूर्य प्रभाव है तो यानी कि आप चैलेंजिंग वाले काम करने से पहले भी नहीं डरोगे, परंतु अगर आपने काम पकड़ लिया, अगर आपने ऐसी अपॉर्चुनिटीज को पकड़ लिया तो ये भी बात पक्की है कि आपको ग्रोथ से नहीं रोक सकता, इस प्रकार का यहाँ सूर्य नारायण महाराज का प्रभाव होने वाला है। देखिए और चीजों पर जाएं तो यहाँ पर मैं आपको साफ साफ रूप से बताना चाहता हूँ, स्वास्थ्य वर्धक है सूर्य नारायण महाराज का गोचर, आपके लव रिलेशन में प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला सूर्य नारायण का गोचर। और हाँ, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन किया, कमेंट करिएगा, सूर्य राहु के साथ मेरे द्वादश भाव के अंदर थे, कहीं आपको आपके जहाँ वर्क प्लेस है वहां पर आपको असुविधा हुई, या वहां पर आपको आपके हेड से किसी प्रकार का ताना झेलना पड़ा, क्या आपको बिना मन के वहां पर काम करना पड़ रहा है और आप अपनी जॉब से फिलहाल खुश नहीं चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप काम तो कर रहे हैं परंतु एक दबाव के अंदर आप काम कर रहे हैं, अभी तक अगर आपको ये ऐसा लगने वाला तो मैं आपको एक शुभ सूचना देना चाहता हूँ, सूर्य राहु के साथ में थे मित्रों, हेड से यहाँ पर कई बार इस प्रकार की घटनाएं घटी है, एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसमें अभी वर्तमान में ही एक हमारे जानकार थे उनकी जॉब लगी, जॉब लगने के बाद में जैसे सूर्य राहु के साथ में आए, ऑफर लेटर उनका तैयार हो चुका था, तो ऑफर लेटर जैसे आया उसके जैसे सूर्य राहु के साथ में 10 से 15 दिन के अंदर पर कॉल आई कि आपको वेट करना पड़ेगा, अभी हमारे यहाँ पर जॉब अवेलेबल नहीं। इतना सुनते ही उनका जो मूड था, उनका जो सोच थी, वो सब कुछ खराब हो गई, सब कुछ बदल गया। तो मित्रों क्या आपके भी, ये तो मैंने एक बहुत, ये बहुत बड़ा हुआ, भगवान करे आप सबकी जॉब लगे, क्या आपको भी इस प्रकार की कुछ चीजें मिली हैं, देखने को मिली हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। परंतु अब क्या है ना, राहु से मुक्त होने जा रहे हैं सूर्य, सर्प रूपी राहु से मुक्त होने जा रहे हैं, तो आपका बॉस भी अगर आपको परेशान करता है दूर चला जाएगा, वो अपनी ही गतिविधियों के अंदर फंसने वाला है, उसके साथ खुद की ही टेंशन यहाँ बढ़ने वाली है, या उसका जो ध्यान है वो आपसे हटकर किसी और व्यक्ति पर जाने वाला है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हेड से संबंधित जो आपकी प्रॉब्लम्स हो रही थी ये दूर हो जाएगी। या इसी के अलावा बात करें भाग्य की, प्रबल आपका संयोग देना, एक छोटी सी लाइन में जल्दी जल्दी हम आपको चीजों को बताएंगे, बृहस्पति आपकी राशि पर, भाग्य इस समय सहयोग दे रहा है, सूर्य आपकी राशि पर, कार्यों की शुरुआत हो रही है, इस समय आपके मन में नई नई जिज्ञासा, नए नए भाव, नए नए विचार पैदा हो रहे हैं, आइडियाज को आप एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस महीने देखा जा रहा है कि आप धन से जुड़ी हुई चीजों के लिए तुरंत एक्शन लेंगे, अगर आपको लग रहा है कि सामने से कोई व्यक्ति आपके पास धन लेकर के आ रहा है उसको तुरंत आप कैच करके उससे आप प्रॉफिट लेना प्रारंभ कर देंगे। दूसरी तरफ जो जो चैलेंजेस आप अपने वर्तमान, अपने अभी जस्ट पीछे आपने फेस किए हैं, उन्हीं चैलेंजेस से सीखी हुई चीजों से अब आप इस महीने लाभ लेना शुरू कर देंगे, आप समझ जाएंगे कि किन किन चीजों से बॉस जो है आपके ऊपर नाराज होता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आपके जीवन के अंदर जो है प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देती है, रिलेशन से संबंधित आपकी जो प्रॉब्लम्स आई आप उनके मूल कारणों को पहचान जाएंगे और आप अपने रिलेशन को भी बेहतर कर सकते हैं अपनी बुद्धि विवेकता से। देखिए दो तीन चीजें यहां पर बहुत अच्छी है, बृहस्पति अच्छा है तो आपको इस समय अच्छे अच्छे लोगों का सपोर्ट और सहयोग मिलेगा, मंगल अगर आपके लाभ स्थान पर, शनि आपके लाभ स्थान पर है तो ये दोनों ग्रह इस प्रकार के हैं जो इस महीने आपको प्रमोशन या फिर आपका ट्रांसफर से संबंधित, परंतु मित्रों मैं साफ साफ कह देता हूं ग्रह गोचर होता है उनसे लाभ लेना पड़ता है, ये वो महीना जिसमें आपको प्रयास ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, ये बैठने वाला महीना बिल्कुल भी नहीं है, ये घर बैठे सोच करके राशि देख करके आपका काम हो जाए ये वाला महीना नहीं है, ये महीना आपके एक्शन का है, जितना आप एक्शन लोगे, जितना आप प्रयास करोगे उतनी आपकी प्रॉस्पेरिटी की संभावना है, गवर्नमेंट जॉब में सफलता की संभावना है, कंपटीशन एग्जाम में सफलता की संभावना है, लव रिलेशन में चल रही प्रॉब्लम्स को, गलत व्यक्ति के साथ जुड़े हुए व्यक्ति के साथ में अपने रिश्तों को समाप्त करने की और नई शुरुआत शुरू करने की ये
बहुत शुभ संभावना इस महीने सूर्यनारायण बना रहे हैं। तो मित्रों इतना सब कुछ है जो मैंने आपको इस महीने बताने का प्रयास किया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और उपाय जानना चाहेंगे। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन जाप कीजिएगा। सूर्यनारायण को प्रतिदिन अर्घ्य प्राय प्रदान कीजिएगा। ये महीना सूर्य की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है। चलिए मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम श्री।